नमस्कार, कार्यक्रम दैनिक थोक मूल्य विवरणमा स्वागत छ। म राजा राम डङ्गल। सदाझै आज पनि कालीमाटी फलफुल तथा तरकारी बजार विकास समितिले निर्धारण गरेको ताजा तरकारी तथा फलफुलहरूको थोक मूल्य विवरण लिएर उपस्थित भइसकेको छु। तपाईँ दैनिक थोक मूल्य विवरण कृषि रेडियो 101.5 MHz हरेक दिन बिहान 9:15 बजे र बेलुका 6:15 बजे सुन्न सक्नुहुन्छ भने तपाईँले चाहेको समयमा हाम्रो फेसबुक पेज र टोलटोलको खबर टिभी युट्युब च्यानलका साथै विभिन्न सामाजिक सञ्जालबाट पनि एकैसाथ हेर्न र सुन्न सक्नुहुन्छ। आउनुहोस्, लागौँ आजको ताजा तरकारी तथा फलफुलहरूको थोक मूल्य विवरणतर्फ। ठुलो गोलभेडा भारतीय प्रति किलो 90 देखि 100 रुपियाँसम्म, गोलभेडा सानो लोकल प्रति किलो 65 देखि 80 रुपियाँसम्म, गोलभेडा सानो टडेल प्रति किलो 75 देखि 100 रुपियाँसम्म, गोलभेडा सानो भारतीय प्रति किलो 70 देखि 80 रुपियाँसम्म, गोलभेडा सानो तराई प्रति किलो 80 देखि 100 रुपियाँसम्म, आलु रातो प्रति किलो 65 देखि 70 रुपियाँसम्म, आलु रातो भारतीय प्रति किलो 65 देखि 70 रुपियाँसम्म, आलु सेतो प्रति किलो 55 देखि 58 रुपियाँसम्म, प्याज सुकेको भारतीय प्रति किलो 105 देखि 110 रुपियाँसम्म, गाजर लोकल प्रति किलो 140 देखि 150 रुपियाँसम्म, गाजर तराई प्रति किलो 130 देखि 140 रुपियाँसम्म, बन्दा लोकल प्रति किलो 80 देखि 100 रुपियाँसम्म, बन्दा तराई प्रति किलो 70 देखि 80 रुपियाँसम्म, काउली स्थानीय प्रति किलो 110 देखि 120 रुपियाँसम्म, काउली तराई प्रति किलो 90 देखि 100 रुपियाँसम्म, मुला रातो प्रति किलो 40 देखि 50 रुपियाँसम्म, मुला सेतो लोकल प्रति किलो 30 देखि 40 रुपियाँसम्म, सेतो मुला हाइब्रिड प्रति किलो 30 देखि 40 रुपियाँसम्म, भन्डा लाम्सो प्रति किलो 50 देखि 60 रुपियाँसम्म, भन्डा डल्लो प्रति किलो 60 देखि 70 रुपियाँसम्म, तने बोडी प्रति किलो 140 देखि 160 रुपियाँसम्म, मकै बोडी प्रति किलो 60 देखि 70 रुपियाँसम्म, मटर कोसा प्रति किलो 130 देखि 140 रुपियाँसम्म, केउसेमी लोकल प्रति किलो 110 देखि 125 रुपियाँसम्म, केउसेमी हाइब्रिड प्रति किलो 110 देखि 125 रुपियाँसम्म, केउसेमी राजमा प्रति किलो 120 देखि 130 रुपियाँसम्म, टाटे सिमी प्रति किलो 110 देखि 120 रुपियाँसम्म, तिते करेला प्रति किलो 90 देखि 100 रुपियाँसम्म, लौका प्रति किलो 90 देखि 100 रुपियाँसम्म, पर्वत लोकल प्रति किलो 90 देखि 100 रुपियाँसम्म, पर्वत तराई प्रति किलो 90 देखि 100 रुपियाँसम्म, चिचिन्डो प्रति किलो 40 देखि 50 रुपियाँसम्म, घिरौला प्रति किलो 70 देखि 80 रुपियाँसम्म, फर्सी पाकेको प्रति किलो 30 देखि 40 रुपियाँसम्म, फर्सी हरियो लाम्से प्रति किलो 50 देखि 60 रुपियाँसम्म, हरियो फर्सी डल्ले प्रति किलो 50 देखि 60 रुपियाँसम्म, सलगम प्रति किलो 70 देखि 80 रुपियाँसम्म, भिँडी प्रति किलो 130 देखि 140 रुपियाँसम्म, सखरखण्ड प्रति किलो 100 देखि 120 रुपियाँसम्म, बरेला प्रति किलो 45 देखि 55 रुपियाँसम्म, पिँडालु प्रति किलो 60 देखि 70 रुपियाँसम्म, इस्कुस प्रति किलो 20 देखि 30 रुपियाँसम्म, रायोको साग प्रति किलो 50 देखि 60 रुपियाँसम्म, पालङको साग प्रति किलो 90 देखि 100 रुपियाँसम्म, चम्सुरको साग प्रति किलो 100 देखि 120 रुपियाँसम्म, तोरीको साग प्रति किलो 50 देखि 60 रुपियाँसम्म, मेथीको साग प्रति किलो 100 देखि 120 रुपियाँसम्म, प्याज हरियो प्रति किलो 100 देखि 150 रुपियाँसम्म, बकुला प्रति किलो 100 देखि 120 रुपियाँसम्म, तरुल प्रति किलो 90 देखि 100 रुपियाँसम्म, च्याउ कन्या प्रति किलो 180 देखि 220 रुपियाँसम्म, च्याउ डल्ले प्रति किलो 300 देखि 350 रुपियाँसम्म, कुरिलो प्रति किलो 1,100 देखि 1,200 रुपियाँसम्म, ब्रोकाउली प्रति किलो 120 देखि 130 रुपियाँसम्म, चुकुन्दर प्रति किलो 120 देखि 130 रुपियाँसम्म, रातो बन्दा प्रति किलो 90 देखि 100 रुपियाँसम्म, जिरीको साग प्रति किलो 100 देखि 120 रुपियाँसम्म, सेलरी प्रति किलो 500 देखि 600 रुपियाँसम्म, पार्सले प्रति किलो 1,500 देखि 1,800 रुपियाँसम्म, सुपको साग प्रति किलो 100 देखि 120 रुपियाँसम्म, पुदिना प्रति किलो 600 देखि 700 रुपियाँसम्म, गान्टे मुला प्रति किलो 70 देखि 80 रुपियाँसम्म, इमली प्रति किलो 140 देखि 160 रुपियाँसम्म, तामा प्रति किलो 90 देखि 100 रुपियाँसम्म, तोपु प्रति किलो 110 देखि 120 रुपियाँसम्म, गुन्द्रुक प्रति किलो 250 देखि 300 रुपियाँसम्म, स्याउ झोले प्रति किलो 240 देखि 260 रुपियाँसम्म, स्याउ फुजी प्रति किलो 280 देखि 300 रुपियाँसम्म, केरा दर्जन 150 देखि 170 रुपियाँसम्म, कागती प्रति किलो 140 देखि 160 रुपियाँसम्म, अनार प्रति किलो 380 देखि 400 रुपियाँसम्म, अङ्गुर कालो प्रति किलो 380 देखि 400 रुपियाँसम्म, सुन्तला नेपाली प्रति किलो 90 देखि 100 रुपियाँसम्म, सुन्तला भारतीय प्रति किलो 90 देखि 100 रुपियाँसम्म, तरबुजा हरियो प्रति किलो 80 देखि 100 रुपियाँसम्म, मौसम प्रति किलो 150 देखि 165 रुपियाँसम्म, जुनार प्रति किलो 300 देखि 350 रुपियाँसम्म,
भुइँकटर प्रति गोटा 180-200 रुपियाँसम्म, काँक्रो लोकल प्रति किलो 120-140 रुपियाँसम्म, काँक्रो हाइब्रिड प्रति किलो 80-90 रुपियाँसम्म, निबुवा प्रति किलो 40-50 रुपियाँसम्म, नासपाती चाइनिज प्रति किलो 230-250 रुपियाँसम्म, मेवा नेपाली प्रति किलो 40-50 रुपियाँसम्म, मेवा भारतीय प्रति किलो 90-100 रुपियाँसम्म, अम्बा प्रति किलो 150-180 रुपियाँसम्म, लप्सी प्रति किलो 40-50 रुपियाँसम्म, स्ट्रबेरी भई ऐसेलु प्रति किलो 500-600 रुपियाँसम्म, किवी प्रति किलो 200-250 रुपियाँसम्म, सरिफा प्रति किलो 200-250 रुपियाँसम्म, अभगाडो प्रति किलो 200-250 रुपियाँसम्म, अमला प्रति किलो 80-100 रुपियाँसम्म, अदुवा प्रति किलो 130-150 रुपियाँसम्म, खुर्सानी हरियो प्रति किलो 50-70 रुपियाँसम्म, खुर्सानी हरियो बुलेट प्रति किलो 70-80 रुपियाँसम्म, खुर्सानी हरियो माछे प्रति किलो 180-200 रुपियाँसम्म, खुर्सानी हरियो अकबरे प्रति किलो 250-300 रुपियाँसम्म, भेडे खुर्सानी प्रति किलो 120-140 रुपियाँसम्म, लसुन हरियो प्रति किलो 200-250 रुपियाँसम्म, हरियो धनियाँ प्रति किलो 100-150 रुपियाँसम्म, लसुन सुकेको चाइनिज प्रति किलो 300-320 रुपियाँसम्म, लसुन सुकेको नेपाली प्रति किलो 300-320 रुपियाँसम्म, छ्यापिस सुकेको प्रति किलो 140-160 रुपियाँसम्म, ताजा माछा रहु प्रति किलो 345-360 रुपियाँसम्म, ताजा माछा बचुवा प्रति किलो 250-280 रुपियाँसम्म, ताजा माछा छडी प्रति किलो 240-260 रुपियाँसम्म, रुख टमाटर प्रति किलो 150-180 रुपियाँसम्म, राजा च्याउ प्रति किलो 280-300 रुपियाँसम्म रहेको छ। ताजा तरकारी तथा फलफुलहरूको थोक मूल्य विवरणसँगै आजको लागि कार्यक्रम दैनिक थोक मूल्य विवरणबाट म राजाराम पनि बिदा हुन्छु। भोलि अर्को नयाँ अङ्कमा भेटिनेछौँ। हवस् त, नमस्ते।